सबका स्वागत है। ये है हमारा, जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, और सुनो का शामियाना, डिजिटल शामियाना। आज हमारे समक्ष बहुत ही मतलब होनहार पोएट्स हैं, राइटर्स हैं। सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर। मैं जर्नलिस्ट हूँ, पत्रकार हूँ, लेकिन लिखती भी हूँ। तो आज की जो हमारी पेशकश होगी, वो मतलब जो भी दिल से लिखी कविताएं हैं, वो तो कभी हम एक्सीडेंटली बन गए। आई ऑलवेज से कि मुझे अभी भी थोड़ी थोड़ी शर्म आती है बोलने में कि मैं कवि हूँ या पोएट हूँ, क्योंकि इतना लोडेड टर्म है कि मतलब इतनी जुर्रत भी कैसे हुई कि मैं अपने आप को कवि बोलने लगी। बट आई थिंक आई वेयर दैट लेबल नाउ विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आई एम कमिटेड, आई हैव अ लव फॉर लैंग्वेज दैट आई थिंक दैट आई गॉट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड माई सिबलिंग्स, एंड आई एम रियली हैप्पी टू कीप वेविंग द फ्लैग ऑफ यू नो हिंदी लैंग्वेज। तो मैं आप सबको फिर से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे, कमेंट्स भी आ रहे हैं। आज की जो हमारी महफिल है, इट्स एन ओपन माइक। हमारे तीन गेस्ट पोएट्स हैं, एंड आई एम श्योर दैट अगर टाइम हमें परमिट करता है तो यू नो वी कैन हैव मोर पीपल ज्वाइन अस ऑल्सो। लेकिन क्योंकि आज हमारी शुरुआत है, एंड मैं हमेशा अपना जो भी शुरुआत की जो महफिल होती है, इस कविता से शुरू करती हूँ। आई थिंक ऑर्सुनो हैज़ बिकम अ क्रॉनिकल ऑफ माई लाइफ। मैं ये भी बोलती हूँ कि जो भी मैं लिखती हूँ ऑर्सुनो की सीरीज़ में, वो सच लिखती हूँ। बेसिकली एक वीडियो सीरीज़ है पोएम्स की, जो मैंने 2019 में शेयर करनी शुरू करी थी इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, एंड तब से इट्स बिकम अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी, ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी मूवमेंट फॉर मी। तो मैं आपको सुनाती हूँ सारे सपने, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मुझे ऑर्सुनो इतना प्रिय भी है। तो कविता का नाम है सारे सपने। कि इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, देखते ही देखते मेरे सारे सपने पूरे हो गए। इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, देखते ही देखते मेरे सारे सपने पूरे हो गए। जनवरी की जंग में मेरे ख्वाब बुलंद हो गए, जनवरी की जंग में मेरे ख्वाब बुलंद हो गए, फरवरी में बेफिकर मेरे पैर पंख हो गए। मार्च अप्रैल मई में उड़ाने भरी कई, मार्च अप्रैल मई में उड़ाने भरी कई, जून की जद्दोजहद भी मानो जैसे शहद, जून की जद्दोजहद भी मानो जैसे शहद। जुलाई में मनाया जश्न जब आंसू मेरे खो गए, इस साल की क्या बताऊं सारे सपने पूरे हो गए। अगस्त रहा अनोखा जब नीर नीर तरंग हुए, अगस्त रहा अनोखा जब नीर नीर तरंग हुए, सावन की मीठी छाँव में इरादे मेरे दबंग हुए। सरसराता आया सितंबर मैंने छुआ थोड़ा अंबर, सरसराता आया सितंबर मैंने छुआ थोड़ा अंबर, अक्टूबर में और सुनो हवाई किले अमर हो गए। इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, देखते ही देखते मेरे सारे सपने पूरे हो गए। नवंबर बोला निर्मिका इस जहां में रोशन खूब हुए, सुनिएगा गौर से, कि नवंबर बोला निर्मिका इस जहां में रोशन खूब हुए, पर खुश किस्मत तो वो हुए जो खुद से खुद पर रहमान हुए। मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी काइंड टू योरसेल्फ। कि नवंबर बोला निर्मिका इस जहां में रोशन खूब हुए, पर खुश किस्मत तो वो हुए जो खुद से खुद पर रहमान हुए। दिसंबर बड़ा दिलदार रहा, दिसंबर बड़ा दिलदार रहा, दुनिया को मेरा ख्याल रहा, दो यार पुराने मिल गए, दो बूंद समंदर बन गए। दो यार पुराने मिल गए, दो बूंद समंदर बन गए। इस साल की क्या बताऊं ये दिन महीने जो गए, देखते ही देखते मेरे सारे सपने पूरे हो गए। धन्यवाद। क्या बात है, तो बहुत खूब बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये थी सारे सपने। मुझे लगता है कि लोग सपने पूरे करने की बात करते हैं, लेकिन मेरे जो छोटे मोटे सपने हैं, मैं उनके मतलब उनकी डायरी मेंटेन करती रहती हूँ कि चलो आज ये पूरा हुआ, कल ये पूरा होगा। एंड आई थिंक द जर्नी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इतने अच्छे आप लोग कॉमेंट्स भेज रहे हैं। थैंक यू श्याम, थैंक यू एवरी वन हुज़ जॉइंड इन। और इसी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आई वुड लाइक टू इन्वाइट नीति। नीति जी आ जाइए, आप सुनाइए अपनी कोई कविता। नीति का हैंडल है कुर्बते इंस्टाग्राम पर, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएट्स। और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी कुछ यू नो कविता पेश करें। नीति वेलकम। शुक्रिया निर्मिका जी, और आप सबको मेरा नमस्कार।
मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और आप लोगों के बीच मुझे बोलने का मौका देने के लिए आप सबका धन्यवाद। और मैं ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए अपनी कविता से शुरू करूँगी कि मैं कहाँ किसी के काम की अब, इंसान भी हूँ बस नाम की अब। मैं कहाँ किसी के काम की अब, इंसान भी हूँ बस नाम की अब। एक दौर में थी मैं खास कभी, पर फिरती हूँ बस आम सी अब। मैं कहाँ किसी के काम से। दो आँखों का ये किस्सा था, कुछ मेरा जिसमें हिस्सा था। मेरे दिल की गांव की झोपड़ में वो बसा बसा सा रहता था। उसकी आँखों और बातों का कुछ नशा नशा सा रहता था। अब वो नशा याद दिलाने को जबरन हूँ बस जाम की अब। मैं कहाँ किसी के काम की अब। उस ठोकर से उठाने को मैंने ही हाथ बढ़ाया था। लफ्ज सेंक सेंक कर मैंने मरहम भी करवाया था। उस ठोकर से उठाने को मैंने ही हाथ बढ़ाया था। लफ्ज सेंक सेंक कर मैंने मरहम भी करवाया था। घुटने भी थे छिले हुए, चलने से भी वो डरता था। घुटने भी थे छिले हुए, चलने से भी वो डरता था। अपनी उलझी बातों में वो उलझा उलझा रहता था। फिर उसके सारे जख्मों को मैंने पलकों से पोंछ दिया। नजर उतारी आंखों से और जां से उसको औंच दिया। उसके सारे जख्मों को मैंने पलकों से पोंछ दिया। नजर उतारी आंखों से और जां से उसको औंच दिया। कल मिला मुझे वो कह के गया कि कायल हूं बस दाम की अब। मैं कहां किसी के काम की अब, मैं कहां किसी के काम की अब। आगे की लाइनें हैं कि यूं तो थे सवाल कई, मुझको भी उससे करने थे। सब खाली खाली बातों को अपनी नज्मों से भरने थे। वो हल्का था जो इश्क उसे शायद थोड़ा गहरा होता। मेरी बातें सुनने को कुछ देर जो वो ठहरा होता। क्यों शोर है इतना बस्ती में, पूछोगे तो खामोश है सब। अपनी सियासत में ही वो मलिका क्यों रहती है गुमनाम सी अब। मैं कहां किसी के काम की अब, मैं कहां किसी के काम की अब। एक इश्क तुम्हारा पाने को अगर कुछ कहना होता तो शायद इस तरह से कह पाते अगर मौका मिलता तो, कि एक इश्क तुम्हारा पाने को हर चीज ही तो आजमाई थी। दरगाह की चादर पर मैंने पलकें तोड़ बिछाई थी। एक इश्क तुम्हारा पाने को हर चीज ही तो आजमाई थी। दरगाह की चादर पर मैंने पलकें तोड़ बिछाई थी। वो सोमवार का व्रत तोड़ना मंगल के सवेरे से, वो सोमवार का व्रत तोड़ना मंगल के सवेरे से। शुक्र शनिचर इतवार पीपल के 100 100 फेरे से। तुम्हारा नाम सुनाई देता था सुबह की अजानों में। मजहब मेरा जो भी हो, मैं भूखी थी रमजानों में। हर दुआ यूं नजरअंदाज हुई, जंतर सब मैंने तोड़ दिए। खत तो लिखे खुदा को थे, सब अपनी ओर ही मोड़ दिए। हर दुआ यूं नजरअंदाज हुई, जंतर सब मैंने तोड़ दिए। खत तो लिखे खुदा को थे, सब अपनी ओर ही मोड़ दिए। अब खुद की खुदा बनी बैठी, ना अल्लाह की ना राम की अब। मैं कहाँ किसी के काम की अब, मैं कहाँ किसी के काम की अब। शुक्रिया। बहुत क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। नीति, बहुत बढ़िया। आपकी आपकी आवाज में जो ठहराव है और जो आपके शब्द हैं बहुत ही सोचने को मजबूर कर देते हैं। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एंड सो डेलिकेट, इतनी नाजुक आपने बात कही। धन्यवाद थैंक यू सो धन्यवाद, मच। थैंक यू। कमेंट्स भी आ रहे हैं, मैं थोड़े से कमेंट्स पढ़ लूँ। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ने में। वाओ, अरिसुदन बोल रहे हैं इंस्टा लिंक शेयर करिए प्लीज, ठीक है करते हैं। जफर बोल रहे हैं लवली। शारन सिंह वाह 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 वाह, खूब वाह वाह आ रहे हैं, वाह 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 वाह। महेश भी, अनुराग, नाइस, थैंक यू थैंक यू। आई एम श्योर ये नीति के लिए है सारे। ब्यूटिफुल, सुपर सुपर ब्यूटिफुल, बहुत खूब ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच। बहुत खूब बोल रहे हैं आकाश, थैंक यू थैंक यू। तो फिर से आप सबका स्वागत है, हमारे जो लिसनर्स हैं बढ़ते जा रहे हैं एज वी आर प्रोग्रेसिंग। ये है और सुनो का हमारा शामियाना ओपन माइक है, और वी आर वेरी हैप्पी टू हैव अ ब्यूटिफुल क्यूरेटेड ऑडियंस एंड अन अमेजिंग पैनल ऑफ पोएट्स। और
अब मैं इनवाइट करूंगी शैलजा को. शैलजा चतुर्वेदी अपने आप को इंस्टाग्राम पर बोलती है वॉनबी पोएट, लेकिन ये बिल्कुल गलत है. शी इज़ नॉट अ वॉनबी पोएट, बहुत ही काबिल पोएट है. सो शैलजा, वीड लव टू हियर फ्रॉम यू, यू नो, अबाउट योर आर्ट एंड अबाउट योर पोएट. थैंक यू निर्मिका जी. पहली बात तो इट्स सच अ ब्लेसिंग कि आपके साथ मैं ये ओपन माइक कर रही हूँ. मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ आपकी, बहुत आई थिंक 2 साल से. सो थैंक यू सो मच. और हालांकि मैं अभी सच में वॉनबी पोएट ही हूँ, मैं लिखने की कोशिश करती हूँ. लिटरेचर से जुड़े रहना पसंद है मुझे. और लेकिन आज जो कविता निर्मिका जी को पसंद आई वो बद्री नारायण जी की है, और जो मैंने पढ़ी थी अपने इंस्टाग्राम पे. इसका नाम है प्रेत आएगा, और वही मैं पढ़ने जा रही हूँ दोबारा. प्रेत आएगा, सॉरी आप बोल नहीं रहे नहीं थे मैं बोलती निर्मिका जी हाँ जी, कुछ. प्लीज 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 क्या, प्लीज. हाँ जी. प्रेत आएगा, प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र. गिद्ध उसे पेड़ पर नोच नोच कर खाएगा. चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा. जुआरी प्रेम पत्र ही दाव लगाएगा. ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र. बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी. आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र. बंदिशें प्रेम पत्र ही लगाई जाएंगी. सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र. झींगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र. कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे. प्रलय के दिनों में सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे. प्रलय के दिनों में सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे. कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र. कोई राम बचाएगा कोई मदीना. कोई राम बचाएगा कोई मदीना. कोई चांदी बचाएगा कोई सोना. और मैं निपट अकेली, कैसे बचाऊंगी तुम्हारा प्रेम पत्र. थैंक यू. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आप जैसे सुनाती हैं मेरा दिल पिघल जाता है. ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू. तापसी, मुझे तो लग रहा है जल्दी 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 चलना चाहिए, यहाँ पे तो पोइट्री हो रही है. मैंने देखा अभी 11:14 हो गए हैं. सो वी हैव ओनली 6 more minutes टू गो. यू कैन एक्सटेंड इट बाय 5, सो यू विल गेट एन ऑप्शन टू एक्सटेंड इट बाय 5, ओके, ये भी मिलता है एंड यू चलो. मस्ट अच्छा, बिकॉज दिस इज जस्ट सो ब्यूटीफुल. आई नो, मुझे लगता है हमारे और सुनो में हमको मतलब एक एक घंटे की मोहलत देनी चाहिए. बट थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस तापसी. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म, और इतनी इंटीमेट गैदरिंग है तो सबको भी मौका मिलता है. थैंक यू फॉर एवरीवन जो कमेंट्स दे रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे हमको अच्छा लग रहा है. तो भेजते रहिए अपने कमेंट्स जब हम लोग रिसाइट कर रहे हैं. एंड ऑन दैट नोट आई वुड लव टू इन्वाइट निधि, निधि पांडे. निधि, जस्ट अबाउट अ ईयर अगो वी हैड अ यू नो शामियाना और निधि और मैं एक साथ मंच पर थे, और हम लोगों ने अपनी कविताएं सुनाई थी मेरे इंस्टाग्राम पर. तो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ प्लेजर टू इनवाइट हर अगेन. निधि वेलकम, सुनाइए प्लीज. हेलो. सबसे पहले थैंक यू तापसी एंड नर्मिका मैम हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. अभी लॉकडाउन में पोएट्स को या आर्टिस्ट को इतना परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा यहाँ पे. तो मेरा नाम निधि है और मैं महादेव की नगरी बनारस से हूँ. अपने परिचय में मैं 2 पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगी कि कई बार खुद ही खुद का तिरस्कार किया है, कि कई बार खुद ही खुद का तिरस्कार किया है. हर बनती बिगड़ती बात पर खुद ही खुद पे सवाल 1000 बार किया है. दुनिया से मिले जख्मों पर आह नहीं, दुनिया से मिले जख्मों पर आह नहीं. खुद को लगाया मरहम कितनी बार, वो भी तो काबिले वाह नहीं. शुक्रिया. तो आज जो मैं कविता सुनाने जा रही हूँ वो मेरे लिए बेहद खास है. ये कविता मैंने तब लिखी थी जब मैं पहली बार दिल्ली शहर आई थी. और जब हम अपना घर, अपना गांव, अपना शहर छोड़कर किसी नई जगह जाते हैं तो मन में सबसे पहला सवाल आता है, उलझन होती है कि ये जो नया शहर है इसमें मेरी जगह कहाँ है. और अब जो यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ पहुँच गए हैं, तो अब जाना कहाँ है, मंजिल क्या क्या है.
तो कविता का नाम है कहाँ है। शुरू करती हूँ। इस शहर में मेरी जगह कहाँ है, जिस जमीन पे है कदम वो जमीन भी मेरी कहाँ है। इस शहर में मेरी जगह कहाँ है, इतनी खाली हैं ये सड़कें तो क्या, इतनी खाली हैं ये सड़कें तो क्या, मुझको जाना कहाँ है। इस शहर में मेरी जगह कहाँ है, इस खाली जिंदगी में किरदार बहुत हैं, इस खाली जिंदगी में किरदार बहुत हैं, पर वो जो हुए नहीं मेरे, तो इसमें उनकी गलती कहाँ है। दरअसल किसी को भीतर बुलाने का या रिश्तों के बीज बोने भर का भी मेरे पास ठिकाना कहाँ है। इस शहर में मेरी जगह कहाँ है, सोने के लिए ये एक मुझसे भी खाली कमरा है, सोने के लिए ये एक मुझसे भी खाली कमरा है, मेरे पास आशियाना कहाँ है। इस शहर में मेरी जगह कहाँ है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच निधि। आप इस शहर में, आपकी काफ़ी जगह है, और हर शहर में पोइट्स की और आर्टिस्ट की जगह है। अगर नहीं है तो हम हक से मांग लेंगे, है ना। और एंड मुझे पता है गोविंद, वे गोना इनवाइट यू नेक्स्ट, लेकिन बिकॉज निधि ने शहर और घर की बात कही है, मेरे को एक अपनी मतलब एक छोटी सी कविता याद आ रही है जो मैंने लिखी थी। आई वॉज लुकिंग बैक ऑन द यू नो ईयर, अभी इस साल मुझे 10 साल हुए हैं बॉम्बे में, एंड आई रिमेंबर व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई वॉज 23 एंड आई वॉज हैड दिस ग्रेट बिग एम्बिशंस, और मैं यू नो एवरी वन थिंक्स ऑफ बिकमिंग समथिंग, और मैं ये भी बोलती हूँ कि जो मैं बनना चाहती थी धीरे धीरे बन रही हूँ, और जो मेरे सपने थे पूरे तो हो रहे हैं धीरे धीरे। बट एक जो थॉट था वो मैंने लिखी थी कि इस कविता में, जिसका नाम है असली घर, कि वो जो सालों पहले छोड़ दिया या वो जो अब बनाया है, वो जो सालों पहले छोड़ दिया या वो जो अब बनाया है, कोई तो बता दो यार मेरा असली घर कहाँ है। वो जो आलीशान किला है, वो जो आलीशान किला है, या ये मकान जो मुश्किल से मिला है, कोई तो बता दो यार मेरा असली घर कहाँ है, कोई तो बता दो यार मेरा असली घर कहाँ है। धन्यवाद। तो ये थी असली घर, बट मैं आमंत्रण दूंगी गोविंद जी को कि प्लीज आप आए मंच पर। और तापसी ने मुझे बताया आप राजस्थानी में लिखते हैं, आई होप कि वही है या फिर कोई डायलेक्ट है, प्लीज अपने बारे में बताएं और कविता। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं इतने अच्छे अच्छे कवियों के साथ जो है वो मैं ये मंच बांट रहा हूँ। और मैं हाँ राजस्थानी में भी लिखता हूँ, और लेकिन आज की मेरी जो कविता है वो हिंदी में है, और मैं अगली बार जब मौका मिलेगा तो राजस्थानी में भी जो है वो जरूर सुनाऊंगा। मेरी इस कविता का नाम है अध्यात्म विज्ञान, और मैं इसे आधुनिक कविता कहता हूँ, आप इसे जो चाहे वो कह सकते हैं। आज का ये जो समय चल रहा है, हाल ही का जो, इसमें अध्यात्म और विज्ञान के बीच में बहुत द्वंद्व चल रहा है, और ये कविता उन्हीं भावों के इर्द गिर्द है। लेकिन इसकी मूल प्रेरणा जो है वो मेरे लिए कबीर रहे हैं, जिनको मैं हमारे देश का सबसे बड़ा रेवोल्यूशनरी कवि और एक्टिविस्ट मानता हूँ। तो निर्मिका जी, आपकी इजाजत से शुरू करना चाहूंगा। हम सबने माना कि हमें किसी रब ने बनाया है, हम सबने माना हमें किसी रब ने बनाया है, और फिर हम परख नली में बच्चे बनाना सीखे। हम हमारा आदि अंत बहुत कुछ जानते हैं, हम हमारा आदि अंत बहुत कुछ जानते हैं, पर अनदेखे किसी को अपना खुदा मानते हैं, खुद ही रचकर किरदार कथाएं लोक लुभावन, फिर उन किरदारों में ही अपना मतलब ढूंढते हैं। न किसी ने देखा न फिर सुना कभी उसको किसी ने, न किसी ने देखा न सुना कभी उसको किसी ने, पर फरमान उसका मानकर हम क्या क्या करते हैं। पालती सबको ये निर्मल प्रकृति, पालती सबको ये निर्मल प्रकृति,
हम सब उसी के आंचल में रहते हैं, ना कोई पूजा अर्चना करता इसकी, उल्टा इसका दोहन शोषण करते हैं। अजीब है फितरत इंसानों की, अजीब है फितरत इंसानों की कि सदा गलत फहमी में रहते हैं। घट माही उसके सब कुछ छुपा, घट माही उसके सब कुछ छुपा, फिर भी दर दर भटकते हैं, फिर भी दर दर भटकते हैं। शुक्रिया। खूब खूब धन्यवाद आपका गोविंद जी, बहुत ही बढ़िया। और इच्छा हो रही है कि आप कुछ शुक्रिया। और भी सुना दें, 2.5 मिनट है। मेरे पास राजस्थानी का जो है, मैं एक एक दो एक दोहा है कि राजस्थानी की अपनी एक मिठास है। राजस्थानी को माना जाता है कि यहाँ लोग बोली बोली में जो है वो बहुत कुछ कर जाते हैं। तो आपके समय में एक वॉरियर शब्द जो है वो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, और ये लाइनें जो है उन सबके लिए है जो इस कोरोना काल में लोगों को, जिन्होंने लोगों को प्यार दिया है, सहयोग दिया है, लोगों के दर्द को कम करने के लिए दिन रात काम किया है, उन सबके लिए है। और डिंगल डिंगल भाषा में है, मैं सुनाता हूँ कि हेर सुजस मग हालिया काटन काल करूर, हेर सुजस मग हालिया काटन काल करूर, मंडिया और ऐसी भूम पर वोरा खोज जरूर। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ कि अपने दिल में प्यार और सुयस लेकर जो लोग इस काल रूपी कठिन समय में मानवता के लिए लड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के निशान इस धरती पर हमेशा कायम रहेंगे और आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा याद रखेगी और प्रेरित करती रहेगी। थैंक बहुत ही यू। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आपकी कविता ने भी हमें खूब प्रेरित किया है और सबकी कविताओं ने हमें खूब प्रेरित किया है कि हम बिल्कुल ऐसी मेंजा में और सर्कल्स बनाते रहे। 1 मिनट है, वाह 1 मिनट है, ये तो अब लग रहा है मेरे को टाइमर कि मैं सुनाऊं भी या ना भी सुनाऊं कुछ नहीं होता। आई थिंक दिस इज अ टाइम टू जस्ट लुक एट ऑल द कॉमेंट्स। आई एम गेटिंग अ नोटिफिकेशन नाउ दैट द सर्कल इज अबाउट टू एंड, लेकिन